कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम फायरबेस प्रोजेक्ट को एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कंसोल ऑलरेडी नहीं है तो आप साइन अप करके बना लीजिए। उसके बाद मैं ऐड अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर हमारे पास तीन स्टेप है जो हमें फॉलो करना है। जो हमारा सोशल मीडिया एप्लीकेशन था उसके लिए हम लॉगिन का फंक्शन ऐड कर रहे थे। सो उसके लिए हमें फायरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैं मेरा प्रोजेक्ट का नेम रख दूँगा साइन अप डेमो और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे गूगल एनालिटिक्स नहीं चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर। आप चाहे तो इसे यस करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए। तब तक ये फिनिश रेडी हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं तब तक रेडी हो गया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो लोड हो चुका है, मगर इसके अंदर अभी मैंने कोई एप्लीकेशन ऐड नहीं की है। सो इसके अंदर हम तीन एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, एक iOS टाइप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड बेस और वेब ऐप। सो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे हमें पैकेज नेम देना होता है। सो हमारा जो पैकेज नेम था उस प्रोजेक्ट का, उसका नेम था डेमो, लॉगिन डेमो, और जो एंड्रॉयड ऐप है उसका मैं नेम रख देता हूँ लॉगिन डेमो, और SHA-1 जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगा, अभी मुझे मालूम नहीं है। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा और ये अभी ऑप्शनल है। इसके बाद रजिस्टर ऐप करूँगा। सो यहाँ पे मुझे एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसे मैं कहाँ पे आपको स्टोर करके रखनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, प्रोजेक्ट लेवल पे आ जाना है और वहाँ पे ऐप के अंदर रिसोर्सेज जो होता है फोल्डर, उसके अंदर आप हमको गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल, ये जो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे करनी है, और इसका जो नेम है वो चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम वही नेम रखेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और मैं बाद में यहाँ पे सेट कर दूँगा। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मेवेन रिपोजिटरी एंड क्लास पाथ, ये दोनों चीज़ ऐड करनी है। सो आप देख सकते हैं दो बार गूगल की मेवेन ऐड करनी है और एक बार क्लास पाथ ऐड करना है गूगल सर्विसेज का। उसके बाद हमें ऐप लेवल मॉड्यूल के अंदर एक प्लगइन ऐड करना है गूगल सर्विसेज का, और ये जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करने के बाद आप प्रोजेक्ट सिंक कर लेना। सो उसके लिए बहुत देर लगते हैं, जो मैंने बाद में रखा है वो मैं बाद में करूँगा, आप अभी कर लेना। और उसके बाद हम रेडी है कंसोल पे जाने के लिए। सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू कंसोल क्लिक करूँगा। सो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए एक ऑप्शन टिक होना ज़रूरी है, वो है ऑथेंटिकेशन पे आ जाना और यहाँ पे आपको दिखेगा गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे गेट स्टार्टेड क्लिक कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा। सो यहाँ पे जो गूगल है प्रोवाइडर उसको एडिट करके इनेबल कर देना और आपको कोई ईमेल आईडी एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। सो अभी ये सिंक हो रहा है, अभी ये इनेबल हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मुझे SHA-1 सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा और गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में कर दूँगा। अभी अब गूगल इनेबल हो जाएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये फीचर्स ऐड करेंगे कि कैसे हम गूगल की मदद से यूज़र की डिटेल गेट करेंगे और वो जो डेटा होगा वो हम यूज़र्स के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखेगा।
सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स।